एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, क्या सोचे थे? एपी सर बहुत खुश होंगे और तुमको ज्ञान दे देंगे कि भैया 11th वेस्ट किए हो तो 12th कैसे अच्छा करोगे। देखो ज्ञान व्यान का सेशन तो हम बहुत ले चुके हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले पॉज करो और कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि 11th वेस्ट क्यों किया। तो क्या लिखा आपने? यूट्यूबर बन गए, यूट्यूब पे आए थे पढ़ाई करने, पता नहीं क्या क्या वीडियो देख डाला भाई, दोस्त दोस्तीनी के चक्कर में फंस गए और पूरा समय वेस्ट कर दिया। घर वालों ने इतना सुनाया कि पढ़ लो बेटा, वो अंकल जी का बेटा देखो, वो उस पड़ोसी का बेटा देखो, और सबने बहुत पढ़ाई करी है, आपको लगता है आपसे पढ़ाई नहीं हो रही और आपने गुस्से में आके पढ़ाई छोड़ी। वीडियो गेम्स बहुत खेला, मैं तो कॉलेज में बहुत सारे गेम खेलता था, बट अभी नया लेटेस्ट क्या है वो कमेंट में लिख के बता दो मुझे, कौन कौन से गेम में आपने टाइम वेस्ट किया, या फिर बाहर आउटडोर गेम, वो तो आजकल बहुत कम बच्चे खेलते हैं, तो आउटडोर गेम में टाइम वेस्ट किया, या आप एक्चुअली डिस्ट्रैक्टेड हो गए बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स के चक्कर में और एक्चुअली आपको समझ में नहीं आया कि आगे कैसे बढ़ा जाए। और कुछ इन सबको हटा के कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई तो करी बट उनको कुछ समझ में नहीं आया। 10th से 11th में आते वक्त किताबों का वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमें समझ में ही नहीं आया कि हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, या हर चीज में मैथ्स ही घुसी हुई थी। तो इन सब चक्रों में हमने पढ़ाई नहीं करी या हमें समझ में नहीं आया। तो बहुत सारे अनगिनत रीजन हो सकते हैं आपके 11th वेस्ट होने के, ये तो आपको ही अच्छे से पता है। अब ये बताओ कि मैं यहां पे ज्ञान क्यों दूंगा? तो ज्ञान तो मैं बहुत दे दूंगा बच्चों, बट उससे होगा क्या? क्या कल जाते ही आप अपनी दिनचर्या बदल दोगे? क्या गेम खेलना छोड़ दोगे या अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दोगे? क्या होगा? देखो बच्चों, बदलाव तो आपको खुद में लाना होगा। मेरे बोलने से एक दिन का असर होगा, दो दिन का असर होगा, चलो मान लिया एक हफ्ते का असर होगा, बट जब तक आपके अंदर वो आग नहीं जगेगी ना कि मुझे वो कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, तब तक आप बदलोगे नहीं। और जब तक आप नहीं बदलोगे, ये सब ज्ञानबाजी जो है ना, इस कान से सुनोगे इस कान से निकाल दोगे। तो इतना समझो कि ये जंग है और इस जंग में लड़ाई आपकी ना आपकी खुद से, किसी और से नहीं, ना आपके पेरेंट्स से लड़ाई है, ना आपके दोस्तों से है, ये लड़ाई आपकी खुद से है। तो बच्चों, अगर अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को आगे देखो, नहीं तो ठीक है बंद करो इस वीडियो को और जाओ वापस से वही चीज करो जो कर रहे थे, और 11th वेस्ट हुआ है 12th भी वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप एक सक्सेसफुल बच्चे बनोगे, क्योंकि आप अपने से लड़ने को तैयार हो। एंड देयरफॉर अब अगला पोर्शन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 11th वेस्ट होते हुए आप 12th बहुत अच्छा कर सकते हो, और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, आप अच्छा कर सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू जो आप इससे आगे वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप उनमें से हो जो अपने से लड़ने को तैयार है, और अगर आप अपने से लड़ने को तैयार हो तो मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता हूँ और आपको अच्छा करते हुए देखना चाहता हूँ। तो हम क्या करें अगर हमने 11th में कुछ भी नहीं किया हुआ है और आज हम सोच रहे हैं कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, चाहे वो जेई हो या नीट हो, उसको क्लियर करें अच्छी रैंक से। तो बच्चों, देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको करना है आगे जाते हुए, और अगर आपने ये किया तो सच बता रहा हूँ आप बहुत अच्छा करोगे। अगर आपने ये 5 टॉपिक्स कर लिए तो 12th में आप बहुत कॉन्फिडेंटली एंटर करोगे। अब ये मैं नहीं बच्चों, ये डेटा बोलता है, 10 लाख बच्चे अगर जेई का एग्जाम देते हैं या 16 लाख बच्चे अगर नीट का एग्जाम देते हैं, उसमें से 90% बच्चे अपना कॉन्फिडेंस 11th के अंत तक आते आते लूज कर देते हैं। वो कॉन्स्टेंटली अपने स्कूल में ताना सुन रहे होते हैं, बेटा तेरा तो स्कूल भी नहीं होगा, ये जेई और नीट तो सपने में भी क्यों ला रहा है तू? घर पे हमें ये सुनने को मिलता है, स्कूल तो पास कर ले फिर कॉम्पिटिशन की बात करेंगे, या फिर ड्रॉप ले लेंगे फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे। आपने क्या ऐसा सुना है? कॉमेंट में लिख के बताओ मुझे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपको उस 1 लाख बच्चों में से होना है जो आखिरी तक लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और कंपटीशन उन्हीं के बीच में, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास, अपना बिलीफ नहीं खोया है, तो बस
ये पांच टॉपिक ट्वेल्थ जाने से पहले कर। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसका अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना नहीं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उसमें बहुत आसान सवाल आते हैं और अगर आपने ये किया तो आपका कॉन्फिडेंस जो है काफी बढ़ जाएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री में तीन टॉपिक है जो आपको अच्छे से करना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिजिक्स में या तो साउंड वेव्स कर लो अच्छे से या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कर लो, दोनों कर लोगे तो आइसिंग ऑन द केक है, क्योंकि ये टॉपिक्स मोस्ट ऑफ द कोचिंग में कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, और इसलिए ये टॉपिक हमारे वीक रह जाते हैं और कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। इस टॉपिक से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये पांच टॉपिक्स अगर आपने स्ट्रांग कर लिया तो आप ट्वेल्थ में बहुत कॉन्फिडेंटली एंटर करो। इसके अलावा एक चीज जो ट्वेल्थ में बहुत तंग करती है बच्चों को वो है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस जो फिजिक्स में आता है। जैसे आपको वहां पे बहुत सारे चार्ज एलिमेंट, आपने फिजिक्स में अभी 11th में डीएम पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डीएम पढ़ा होगा, या फिर डीपी पढ़ा होगा इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये जो एलिमेंट है ये कैसे लेना होता है इसको अच्छे से सीख लेना बच्चों, क्योंकि इसका एप्लीकेशन फिर से फिजिक्स में पहले चैप्टर में ही आ जाता है और वो बहुत सारे बच्चों को 11th में भी डरा चुका है, वो 12th में भी डराता है। इसलिए आप ये पांच टॉपिक्स और उसके अलावा ये कैलकुलस का बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है ना, विच इज डिफरेंशियल मास एलिमेंट लेना, डीएम लेना कैसे किया था वो अच्छे से सीख लेना। तो बच्चों ये जो मैं बात कर रहा हूं, मैंने पिछले 18 सालों में अनगिनत बच्चों को देखा है जो 12th में जाके मैजिकल इंप्रूवमेंट करते हैं, जो 11th तक उनके माँ बाप, उनके पेरेंट और इनफैक्ट कई बार हम टीचर्स भी उन बच्चों पर विश्वास नहीं करते थे, वो 12th में जाके अचानक से ही इम्प्रूव करने लग जाते हैं। और ऐसी एक स्टोरी है एक मेरे बैच की, पूरे बैच की बात कर रहा हूँ, एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। ये था 2011-12 में, जब ऑलमोस्ट लास्ट वाला बैच टीच करने गए, जिस बैच से अदरवाइज जेई में ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख ऐसी रैंक्स आती थी, उस बैच को मैं टीच करने गया और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया उस बैच में कि क्या बच्चों की वजह से उनकी रैंक नहीं आती या टीचर उनके अंदर कॉन्फिडेंस या राइट स्ट्रेटजी नहीं देते हैं जिसकी वजह से उनकी रैंक नहीं आती। तो हमने बच्चों को बोला कि बेटा आप 11th में केवल केमिस्ट्री पर फोकस करोगे पहले 6 महीने, क्योंकि पहले 6 महीने में फिजिक्स में मैकेनिक्स आती है और मैकेनिक्स क्या होता है, मैथ्स। फिर केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री होती है, वहां भी बहुत सारा मैथ्स। और रह गई बात मैथ्स की, तो मैथ्स में अलजेब्रा वो हमें गोल गोल घुमाता रहता है और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें कभी याद नहीं होते, उस चक्कर में पहले 6 महीने में हमें लगता है कि हम कर ही क्या रहे हैं, और करते 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 हम ऑलमोस्ट अपना कॉन्फिडेंस, अपना बिलीफ वो खो जाते हैं, और हम टीचर्स की बात, जो स्कूल वाले टीचर्स हमें बोलते रहते हैं कि बेटा स्कूल की तैयारी कर, स्कूल में पास नहीं हो रहा, हम उनकी बात मानने लग जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से गिव अप हो जाता है, सपना हमारा टूट जाता है। लेकिन बच्चों उस बैच में मैंने क्या किया, उन बच्चों को यही बोला कि ऐसा होगा आपके साथ और आप कोई अलग नहीं, इसलिए आप क्या करो, आप केमिस्ट्री को अच्छे से करते रहो और फिजिक्स और मैथ्स की भी सारी एनर्जी केमिस्ट्री पे लगाओ। जब 6 महीने बीत जाएंगे तब आप फिजिक्स को पिक करना, बट फिजिक्स में तब तक केवल एक चैप्टर जो कि बेसिक मैथ्स है उसको अच्छे से करते रहो, और उसके बाद जब ग्रेविटेशन शुरू होगा, ग्रेविटेशन, साउंड वेव्स, हीट एंड थर्मो, आप फिजिक्स को पिक कर लेना, क्योंकि वहां याद करके या विजुलाइज करके दोनों तरीके से नंबर पाए जा सकते हैं। सिमिलरली मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेना। तो उन बच्चों ने एग्जैक्टली वो स्ट्रैटेजी फॉलो करी और उस बैच में 40-45 बच्चों में से ऑलमोस्ट 21 बच्चे आईआईटी गए उस बैच से, जिसमें अदरवाइज जेई जैसे मेन के एग्जाम में उनकी 2 लाख रैंक आती या 1.5 लाख रैंक आती, वहां से वो आईआईटी गए। तो बच्चों इट इज नॉट अबाउट द स्टूडेंट, और अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता और मेरा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर बच्चे का आईआईटी, हर बच्चे का एनआईटी या हर बच्चे का मेडिकल में गवर्नमेंट सीट मिलना पॉसिबल है, लेकिन क्यों नहीं होता, क्योंकि उनको अपने पे विश्वास नहीं होता, दूसरा वो राइट स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते, और तीसरा उनके पास एक अच्छा मेंटर नहीं होता जो हर समय उनको बताता रहे कि अभी ये कर लो बेटा और अभी ये कर लो। हम सुनते तो सबकी हैं और हम बहुत सुनते हैं, यूट्यूब पे बहुत ज्ञान वाले वीडियोज हैं,
लेकिन हम फॉलो नहीं करते, और चूंकि हम फॉलो नहीं करते हैं शिद्दत से, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होता और हमें कभी अपने पे ही विश्वास नहीं होता कि ऐसी पॉसिबल। तो जो मैं बोल रहा हूं आज इस वीडियो में, 21 दिन तक आप फॉलो करो, इट विल बिकम योर हैबिट, और चैलेंज एक्सेप्ट करो। अगर कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में वो चैलेंज को भी लिखो, यस आई हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड आई एम गोइंग टू चेंज माई सेल्फ। किसी और को नहीं बदलना है, किसी और से फाइट नहीं है, ये फाइट आपकी अपने आप से। ऑल द वेरी बेस्ट।